स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। आज ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आपको इससे एक पता चल जाएगा, एक नज़रिया हो जाएगा कि किस तरीके का हमारा एग्ज़ाम आने वाला। देखिए, सबसे पहले ये 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं और आपको इसी में इस पेपर को करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। मतलब कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज का आंसर आपको जो है, इस जो क्वेश्चन है आपके, ये 3 क्वेश्चन आपके, इन 9 नंबर के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा। आपको इतना सारा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी में ये आंसर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको शुरू की 3 लाइनों में मिल जाता है, शुरू की 3 लाइनों में उसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा आज मॉडल पेपर समझ लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन ये छूट गया था, ये 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 words। देखिए, 10 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा, आपको एक आर्टिकल लिखना होगा और आपको यहाँ से मिलेंगे 10 नंबर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। थोड़ा सा मॉडल पेपर समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा लेट तो हो गया वीडियो, कुछ दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब कुछ ठीक है। अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट ए लेटर टू योर एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो। देखिए, इस तरीके से आपका जो है एक लेटर या आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी, एक लेटर या एक एप्लीकेशन 10 नंबर में आपसे पूछी जाएगी। ओके, आपका लेटर या एप्लीकेशन 10 नंबर में पूछी जाएगी। अगर आपने अभी तक तैयार कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार की है तो आप तैयार कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे बताइएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 3, यहाँ से आ जाता है हमारा ग्रामर का पोर्शन 10 नंबर में। आपको देखिए, सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए, चूज़ आपको करना होगा जो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको ये द प्रेस इनकरेक्ट इन फॉर्मेट मीन्स दे दिए गए हैं और आपको सिनोनिम्स आ गए हैं यहाँ से। और ये देखिएगा, यहाँ से वन शुड डू दिस ड्यूटी, यहाँ से आपको ये बताना होगा। उसके बाद ये आपसे एंटोनिम पूछने गया है बैरन का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच आ गई है आपके यहाँ से। उसके बाद आपकी जो है फॉलोइंग डायरेक्ट आ गया है यहाँ से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है, कंपाउंड सेंटेंस आपसे यहाँ से बनाने के लिए आ गया है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा और ये आपको कंपेरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना होगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, एनी यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन आउन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग, यानी आपको जो है इनका यूज़ करना होगा और अलग अलग वो सेंटेंस होने चाहिए 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका 5 नंबर में, हिंदी ट्रांसलेट यानी इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, यहाँ से आपका लिटरेचर शुरू हो जाता है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, अगर आप इसको भी तैयार कर लेते हैं आपके, तो यहाँ से 45 से 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस मॉडल पेपर को ही तैयार कर लिया है तो। हाउ आर द इनहेबिट्स ऑफ सीमापुरी, वाट डू द, देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाट दे डू फॉर देयर सर्वाइल, और यह आपको ऑप्शन में भी दिया गया है, हुवाज राजकुमार शुक्ला। इसको आप इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स ऑफ हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको करना होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 40 वर्ड में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, 7 नंबर में ये आपके प्रश्न हैं,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स. 80 वर्ड्स में आपका इसका आंसर देना होगा. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. 6 नंबर में आपका, यानी 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2-2 नंबर के. ये आपकी पोयम दे दी गई है और ये आपका स्टैंचा दे दिया गया है यहाँ से, और अब आपको यहाँ से छाड़ना होगा. व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंड द पोइट्स. ये आपको तैयार करना होगा. अब आ जाते हैं राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. ये आपका सेंट्रल आइडिया आ गया है 4 नंबर में. कीप क्यूट ए थिंग ऑफ ब्यूटी आंट जेनिफ ड्रिंक्स. देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी का आप तैयार कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स. आपके दोबारा से एक 40 वर्ड में दोबारा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको यहाँ से ये इनका आंसर देना होगा. देखिए ये तो आप इसको कर दें या आप इसको कर दें, ठीक. उसके बाद आप या तो इसको करें या आप इसको करें. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स. दोबारा से आपको 80 वर्ड्स में आंसर देने के लिए आ गए हैं, तो आपको इसको 7 नंबर में, ये आपका प्रश्न है. 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे. देखिए आपका मॉडल पेपर हो गया है पूरा. मैं उम्मीद करूँगा काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा, और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद. जो भी अभी आपको दिक्कतें आ रही हैं वो हमें कमेंट में बताएं, हम सभी को पूरी करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे. धन्यवाद.